तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कौन से 25 कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ जो सीयूईटी स्कोर है वो कम जाने वाला है, और अगर आपके कम स्कोर है तो भी आपको उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे 25 कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ कम रहती है। तो अगर आपके 400 से 500 के बीच में नंबर है, या अगर आपके 380-370 अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो या आप एससी एसटी के अंदर हो, तो आपके लिए भी वो कॉलेजेस एप्लीकेबल रहेंगे, या जिनके 400 से 500 के बीच में उनके लिए कॉलेजेस रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे। सबसे पहले है पीजीडीएवी कॉलेज बीए प्रोग्राम। मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इसकी कट ऑफ काफ़ी लो रहती है, तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी 400 से अबव नंबर है जनरल कैटेगरी। इसके अलावा आर्यभट्टा कॉलेज कोर्सेज हिंदी ऑनर्स के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन कॉलेजेस की वैसे भी जो और कोर्सेज की कट ऑफ है वो टॉप कॉलेजेस से ऑब्वियसली कम रहती है, तो सिर्फ जो मैं कोर्सेज बता रहा हूँ उनके लिए ही कम नहीं रहेगी, और कोर्सेज के लिए भी इनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहेगी। इसके अलावा राजधानी कॉलेज है हिंदी ऑनर्स, दयाल सिंह हिंदी ऑनर्स, दयाल सिंह की इवनिंग कॉलेज है वो मॉर्निंग में ही होता है, तो उसके जो 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 कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ भी लो रहेगी और आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। और स्पेशली बात, ये जो मैं आपको कॉलेजेस बता रहा हूँ ये मॉर्निंग कॉलेजेस बता रहा हूँ, इवनिंग कॉलेज में आपको 400 से कम में भी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ और कम जाती है, तो 400 अबव मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि ये मॉर्निंग कॉलेजेस है सारे, ठीक है। तो दयाल सिंह तो इवनिंग भी मॉर्निंग कॉलेज है, इसलिए आपको जो भी कोर्सेज इवनिंग के अंदर है उनकी भी कट ऑफ लो रहेगी। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज जो कि गर्ल्स कॉलेज है हिंदी ऑनर्स, उसमें भी कट ऑफ कम रहती है। इसके अलावा अगर आप एक गर्ल्स एस्पिरेंट हो तो आपके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे जो गर्ल्स कॉलेज है उनको मैंने प्रायोरिटी वाइज की किनकी कम रहती है, किनकी एवरेज रहती है, किनकी हाई सीयूईटी स्कोर रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने उनको क्या कर रखा है, लिस्ट डाउन कर रखा है आपके लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कर सकते। इसके अलावा कालिंदी कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज है, अदिति कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेजेस हैं। अदिति कॉलेज में अगर आपके पास ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहते हो जो कि एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, 400 तक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस का टॉप नॉच कॉलेज, उसमें हिंदी ऑनर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। लक्ष्मीबाई कॉलेज है, श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है, सत्यवती नॉर्थ कैंपस के पास पड़ता है, वैसे ऑफ कैंपस का है, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, रामानुजा कॉलेज, इसकी फिलॉसफी की कट ऑफ कम रहती है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ये ऑफ कैंपस का है और अलीपुर में पढ़ता है, सारे कॉलेज से काफ़ी अलग है और इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहती है। रामलाल कॉलेज है, राजधानी कॉलेज है, उसमें बीए प्रोग्राम की कट ऑफ कम रहती है। जाकिर हुसैन कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज है, उसमें आपको 500 तक में भी एडमिशन मिल जाएगा अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, केशव महाविद्यालय तो एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है जो कि काफ़ी साउथ कैंपस के कॉलेजेस से बेटर है। इसके अलावा डीसीएसई है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स और शिवाजी कॉलेज, ये 25 से मैंने ज़्यादा बताया है वैसे आपको एक दो, लेकिन ये कॉलेजेस हैं जिनकी जो कट ऑफ्स है वो लो रहती है, अगर आपके 400 से अबव नंबर है तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। बाकी अगर आपके इससे भी थोड़े कम है तो इवनिंग कॉलेजेस का तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कौन से इवनिंग कॉलेजेस हैं उनकी कितनी कट ऑफ रहती है और कौन से अच्छे इवनिंग कॉलेज है, वो भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता रखा है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो ये कॉलेजेस आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और अगर आपके लो स्कोर है तो इन कॉलेजेस को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज अच्छे नहीं है, ये कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, ताकि केशव महाविद्यालय, सत्यवती कॉलेज है, दयाल सिंह राजधानी कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज है, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप इनको ये मत समझना कि इनकी लो कट ऑफ जाती है तो ये अच्छे कॉलेज नहीं है, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी कोर्सेज आपको यार ये नहीं है कि आपको ऑनर्स का कोर्स मिलेगा, हाँ हिंदी ऑनर्स आपको मिल सकता है, बट अगर आप बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बाकी अगर आपकी कैटेगरी एससी है एसटी है तो आपको है कि आपको चांसेस आपका ऑनर्स के कोर्सेज भी मिल जाए इन कॉलेजेस के अंदर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने डाउट्स बता सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।